साथ कहीं जा रहे थे और पुलिस वालों ने आपको रोक लिया, शायद तो सिग्नल तोड़ दिया था गलती से आपने, और पुलिस वाले ने कहा कि अरे कपिल जी आप जाइए जाइए जाइए, तो आम्या जी ने बोला कि नहीं आप इनका चालान करिए। सॉरी ऑफिसर, गलती हो गई। तो वो हंसने लग पड़ा, चाय पियो भी उसने बोला ठीक है। मैम आप तो प्लीज देखिए, अभी कपिल सर हंस रहे हैं। मैम आप इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं उनको? ये शादी की कपिल सर सच्ची में शादी वाले दिन लेट आए थे इसमें? हाँ आए थे, पर उसके अलावा हमारी बेटी 15 साल के बाद पैदा हुई थी, तब भी लेट आए थे। भी नहीं चलाई थी जिंदगी, जलाई नहीं थी, सही कह रहा हूँ पता। मैं सही कह रहा हूँ, तो इसने वो रखा, पानी रखा, दिल में जा चुकी है। और बेस्ट स्टोरी थी, चले गए तो हम उनके घर ठहरे थे, तो बताओ ना कैसे बना। हुआ क्या? तो मूर्ति ने बोला एक ही सीटी पे हो गई और ये बैठ। तो दिल पे लगी, फिर इसने सीखा, ने खाया, मिलके खाया। इंडियन वाइफ, या देखिए 18 साल की उम्र में हम मिले थे, सो वी हैव ग्रोन अप टुगेदर। हस्बैंड, आपके लिए रूमी क्या है कपिल जी? As she said, मैं तो अभी डिस्प्यूट भी नहीं, शायद पहले डिफरेंसेस होते हैं, पता नहीं होता वो क्या कैसी सोच रखते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं। ओवर द ईयर यू स्टार्ट एडमायरिंग ईच अदर और यू स्टार्ट हेटिंग ईच अदर। सो रूमी, शादी हो या आप एक रिलेशनशिप में हो, एक्चुअली में तो वो एक रिश्ता है, हमने उसको नाम दे दिया शादी का, या दो लोग साथ में हैं तो वो एक रिश्ता ही है। तो आज जब तमाम पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं और आप एक दूसरे को समझते हैं, जिसका जिक्र कपिल जी कर रहे थे, एक बेहतरीन एडवाइस आपके हिसाब से, वो तमाम लोग जो एक दूसरे को हैप्पी वैलेंटाइन कह रहे हैं, वो क्या होता है? एग्जैक्टली वो क्या हैप्पी वैलेंटाइन क्या होता है हमें तो मालूम नहीं, हम तो सीधे साधे, मैं सीधा साधा हूँ, मैं इनको नहीं कह सकता अपने साथ। सो ये तो लोगों की अलग अलग सोच है, सेलिब्रेशन है और होनी चाहिए, हर तरह की सेलिब्रेशन होनी चाहिए। जब सेलिब्रेशन होती है तो खुशी आती है, ये नहीं कि हमारा त्यौहार है या कि दूंगी कि देखिए कोर्टशिप इज़ द मोस्ट अमेजिंग पीरियड, राइट? जब आप एक दूसरे का बेस्ट साइड देखो, वक्त मैं आसान भाषा में दर्शकों को बता दूं, मतलब कि जब आप नए नए मिलते हैं, मिलते हैं, जब शादी नहीं हुई होती या एंगेजमेंट हुई होती है, जब इश्क नया होता है, फिर आप घर जाके अपने घर में सो जाते हैं, आपकी मॉम को आपकी आदत है, जो आप मांगोगे अपने घर में, जैसे आपके टफेस्ट पीरियड किसी भी शादी में फर्स्ट 2 ईयर्स, बिकॉज फिर आपको इकट्ठे रहना एक दूसरों की है। और कपिल की भी काफ़ी चीज़ें थी जो मैं यूज टू नहीं थी। आपको प्रपोज किया इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, सब गड़बड़ कर देते हैं प्रपोजल में। क्या बात कर रही है? ऑफ कोर्स गलत बात, सुनने की आदत पड़ जाती है तो फिर आप सुनते हैं। पर पहले 3 साल में बिल्ली मार ली थी। जब भी आते थे हम सारे इकट्ठे ही जाते थे, एक फ्रेंड की छोटी सी ब्राउन कलर की पुराने जमाने की फियट थी, जिसके दरवाजे ऐसे नहीं ऐसे खुलते थे, यू नो वो वाली फियट। हम बैक ऑफ द माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में तो आया होगा ना कि इन आप मानते हैं? बिल्कुल है, इसीलिए तो प्यार हुआ, शादी हुई, बेटी हो गई, बहुत ही मजेदार चिट-चैट हुई, पूरी दुनिया ने कपिल देव को के ऊपर एक चढ़ के किसी भी टाइम कैसे भी
रोज मिलते थे, रोज बाहर जाते थे, मिलते थे, रोज बाहर जाते थे। अब क्योंकि आप लोगों का रिश्ता इतना मजबूत, इतना आगे बढ़ चुका, इंशाल्लाह हम चाहेंगे और आगे बढ़े। एक परफेक्ट एडवाइस